नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के सेवा विस्तार को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने सीनियर आईएएस ऑफिसर नरेश कुमार का बतौर चीफ सेक्रेटरी कार्यकाल 6 और महीने बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार को इससे नाराज की थी, जिसका विरोध उन्होंने किया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। आपको बता दें कि बीती 30 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल खत्म हो रहा था, जिसे अब 6 महीने का एक्सटेंशन और मिल गया है। अब सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगने के बाद जहां बीजेपी केजरीवाल पर तंज कस रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील केजरीवाल के समर्थन में उतर आए हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को 6 महीने का सेवा विस्तार दिए जाने के एक दिन बाद वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र का ये फैसला लोकसभा चुनाव 2024 से भी आगे बढ़ गया है। केंद्र सरकार दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति केजरीवाल सरकार को असहज करने के लिए करना चाहती है। बता दें कि कपिल सिब्बल ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का सेवा विस्तार दिया। ये हमें 2024 के लोकसभा चुनावों से भी आगे ले जाता है। इससे आगे कपिल सिब्बल ने लिखा है कि केंद्र बस यही चाहता था दिल्ली सरकार को आने वाले दिनों में असहज करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति वो खुद कर सके। बता दें कि 29 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की सेवाओं को 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाने की शक्ति है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस स्तर पर निवर्तमान मुख्य सचिव की सेवाओं को 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को कानून या केंद्र और एनजीटी दिल्ली सरकार के बीच शक्तियों के संवैधानिक वितरण का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई थी कि मुख्य सचिव की नियुक्ति हमेशा विशेष रूप से निर्वाचित सरकार ही करती है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवहार्य समाधान देने के लिए केंद्र सरकार से 5 वरिष्ठम नौकरशाहों की एक सूची देने को कहा था और दिल्ली सरकार केंद्र द्वारा सुझाए गए लोगों में से एक नाम चुन सकती है। इसमें कहा गया था कि ऐसा करने से केंद्र सरकार की चिंताएं पूरी होंगी, साथ ही राज्य की निर्वाचित शाखा के अधिकारियों में कुछ हद तक विश्वास बढ़ेगा। बहरहाल ये कहना अब गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली की सियासत में अधिकारियों और केजरीवाल सरकार में घमासान होना तय है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।